हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण क्या है? सभी जीव वृद्धि एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ उस जीव का क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं परपोषित, हेटरोट्रॉपिक। परपोषित क्या है? कि वे जीव जो अपने पोषण के लिए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को भारी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषित जीव। जैसे पर्णहरित जीवाणु हैं, कवक हैं, जंतु हैं, मानव परपोषी के उदाहरण हैं। ध्यान रखें, नंबर दो है पोषण के आधार पर स्वपोषित। स्वपोषित क्या हैं? वे जीव जो अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं तथा भारी स्रोतों से केवल अकार्बनिक पदार्थ भारी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वे स्वपोषित जीव कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्वपोषित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कैसे होते हैं? स्वपोषित होते हैं। हरे पौधों में नोट ध्यान रखेंगे, हरे पौधों में पोषण का अर्थ मुख्यतः खनिज पोषण है। पौधों में खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण 1804 ईस्वी में टी सासर ने तथा बाद में 1860 ईस्वी में वान सक्स ने दिया। यह आपको ध्यान रखना है। पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं की अध्ययन की विधियां, कि पौधों के लिए खनिज पोषकों की आवश्यकता का अध्ययन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसकी कुछ विधियों की बात करेंगे। सबसे पहले पादप भस्म का विश्लेषण, भस्म यानी राख। इस विधि में ताजे पौधे को भट्टी में क्या किया जाता है? उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, यानी उच्च तापमान पर इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी एक दो दिन तक लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे पौधों में उपस्थित जल वाष्पीकृत होकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। बचे हुए भाग को तोलकर पादप का शुष्क भार प्राप्त कर लिया जाता है, यानी उसको पादप को जलाया जाता है और जलाने के बाद में जो जल होता है वाष्पीकृत होकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और उसके बाद में जो शेष बचा भाग होता है उसे शुष्क भार के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। पादप के शुष्क भार में मुख्य घटक कोशिका भित्ति, बहुसैकेराइड, लिग्निन, जीवद्रव घटक, कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो यह है पादप भस्म का विश्लेषण।